तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। इंस्पेक्टर साहब, वो बच्ची मेरी बिल्कुल मासूम है, बेकसूर है वो, छोड़ दो। उस पर तो सख्त एलिगेशन है, उसकी सोकन ने उस पर एफ आई आर कटवाई है, आई विटनेस है। फिर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं? हमारी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसी नहीं है। बहुत बहुत शरीफ लोग हैं आप, आओ मोहल्ले हमारे, सारे मोहल्ले से पूछ लो आप, बहुत शरीफ लोग हैं, बड़ी इज्जत है मोहल्ले में हमारी। भाई, जब आपकी बेटी किसी अमीर आदमी को फंसा के शादी कर रही थी तो उस टाइम आप लोगों को शर्म नहीं आई, और अब आ गए उसकी सफाइयां देने के लिए। अपनी इस लालची बेटी की अपनी बराबरी के लोगों में शादी करनी थी ना, अमीरों में करने की क्या जरूरत थी? जाएं आप लोग, वकील लेकर आए। वो बच्ची मासूम, ये हालात में कैसे रहेगी? ये तो उसे दहेज देने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब आप लोग जाएं, मेरा वक्त बर्बाद नहीं करें, जाएं आप लोग। बच्ची संभाली नहीं गई, जब किसी को कत्ल कर देती है तो आ जाते हैं शराफत का चोला पहने। मुंह क्या देख रहे हैं, जाएं आप। सभी को सहर नहीं दिया, मैंने नहीं मारा, मैं किसी की जान के, मैं उनकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं बेटी हूँ आप लोगों की, आपको यकीन है ना, मुझ पे ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हमें यकीन है तेरे पर, तू कैसे किसी को मार सकती है बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अब्बा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू फिक्र ना कर, हम कोशिश कर रहे हैं तुझे निकालने की, निकल आएगी तू। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बच्ची। क्या करेंगे अब आप? अम्मा पानी पी लें। अरे कैसे छुड़वाएंगे हम दुआ को? असलम साहब, हमारी बेटी किसी की जान नहीं ले सकती। अरे ये तो मुझे भी यकीन नहीं है कि वो दुआ किसी की जान ले सकती है, समझ में नहीं आ रही फहमीदा, क्या करूं? कैसे समझ नहीं आ रही आपको? कोई वकील करे ना, हम केस लड़ेंगे। जज के सामने जाकर बोलेंगे कि हमारी बच्ची ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है। वो तो सब सही है, करता हूँ किसी वकील से बात, तू परेशान ना हो भाई, हो जाएगा सब। कैसे परेशान ना हो, मुझसे दुआ की हालत देखी नहीं जा रही। आप कुछ करें, आप अल्लाह का वास्ता कुछ करें, मेरी बच्ची को छुड़ा के ले आए। अम्मा चुप हो जाए, ऐसे रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ फहमीदा, इससे तो बहुत बीमार हो जाएगी तू यार। पाप हमारी आजमाइश ही नहीं खत्म होती। क्या हुआ? खाने में क्या था?
जहर डाला है तुमने खाने में? नहीं नहीं गजनबी, क्या किया तुमने? सच बताओ, खाने में कुछ था दुआ? नौशरबा, जाफर, नौशरबा ठीक है? किशोर को सर का ताज बना दिया था मेरे बेटे ने, इसी बात से रोकता था उसे कि कम नसल और कम हैसियत इंसान कभी आपका मुखलिस नहीं होता। तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे बारे में दुरुस्त सोचता था। नौशेरवा की हमाकत, उसने अपनी मौत का सामान खुद कर लिया। वो मुझे अभी खबर मिली कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तुमने, सभी को जहर दे दी। देखो तुम्हें जो भी है ना, मैं ये मानने के लिए नहीं तैयार कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। और तुम परेशान मत, मैं तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें मेरी जरूरत ना हो, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। और मैं भी देखता हूँ ना कि तुम्हें कौन इस तरह परेशान कर सकता है। जो भी है, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रहने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। वहां मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और हमेशा करता रहूंगा। तुम देखना कि जब मैं तुम्हें यहां से छुड़वाऊंगा ना, तो तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। इस हालत में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहां से चले जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहां से छुड़वा कर ही रहूंगा। तभी शायद तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। साई, वो दुआ बीबी को अरेस्ट कर लिया उनके घर से। क्या जी? वो कश्माला बीबी है ना, उन्होंने खुद जाके अरेस्ट करवाया है। ठीक, सकीना सूप ले आओ जल्दी। और जूस का है? अभी लाओ। अरे एक साथ ही ले आओ सब। बीबी से? मुझे बात करनी है आज। हाँ बोलो। वो अभी खबर मिली है कि छोटी बीबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये कि उन्हें आपने अरेस्ट करवाया? जो सवाल करना चाहते हो सीधे तरीके से करो। आपने मुझे बताया तक नहीं कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम देखो तो सही कि तुम सवाल किससे कर रहे हो। माजरा चाहता हूं, जो हैसियत रुतबा मर्तबा आपके इस घर में है, वही रुतबा हैसियत और मर्तबा छोटी बीबी का है। इस ख्याल से मैंने आपसे पूछा। आज तो पूछ लिया है, लेकिन आइंदा नहीं पूछना। और जाफर एक बात याद रखो, नौकर हो नौकर बन के रहो, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। गुस्ताखी माफ।
आपने ऐसा क्यों किया? मेरे नौशर्मा को जहर दे रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। जाने देती उसे, छोड़ देती। नौशर्मा को बड़ा जोम है तुम्हारी वफादारियों पर तुम्हारी वफादारियां तो नजर आ रही, लेकिन हमारे लिए नहीं, किसके लिए साफ दिखाई दे रहा है। नहीं बीबी सही, मेरी वफादारियां हमेशा इस हवेली और हवेली के लोगों के लिए रही हैं। और रही छोटी बीबी की बात, तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि छोटी बीबी को सही कितना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ भी पहुंचे। बस इसीलिए मैंने पूछ लिया आपसे। मुझे जो ठीक लगा मैंने मैंने वो किया, और आइंदा मुझसे सवाल करने से पहले सोच लेना कि मैं जवाब दे नहीं हूं तुम्हारे किसी भी सवाल की। बीबी सही, मेरा अगर इस तरह से सवाल करना आपको गिरा गुजरा हो तो माफी चाहता हूं मैं आपसे। जाके गाड़ी निकाल जाओ। सामान रखवा गाड़ी में जल्दी। सलाम अलैकुम मामा साहिब, पापा साहिब। वालेकुम सलाम। अम्मा साई, मैं खाना लेकर आई हूं, लगवा दूं? कशमाला जी। बाबा साई, दुआ को तुमने अरेस्ट करवाया? जी बाबा साई। ऐसा करने से पहले तुमने हमें तो इत्माद में नहीं लिया। बाबा साहिब, साहिब की हालत देखी नहीं जा रही थी मुझसे, उनके मुजरिम को तो पकड़वाना ही था, इसलिए मैंने कदम उठाया। अब बाकी का प्रोसेस आप देख लीजिएगा। हमें वैसे दुआ से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी। नौशेरवा ने उसको अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा है। और उसने हमारे ही बेटे की जान लेने की कोशिश की। अम्मा साईं, नौशेरवा साईं को लोगों की पहचान ही कहां है? पुलिस आई थी नौशेरवा का बयान लेने। ये बेहोशी की हालत में है। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि तुमने दुआ को अरेस्ट करवाया। कम से कम तुम्हें हमें बताना चाहिए था। अम्मा साईं, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी आप लोगों को। वैसे भी किसी ना किसी ने तो ये स्टेप लेना ही था, सो मैंने ले लिया। जाफर, खाना लाया है ना अम्मा साईं और बाबा साईं के लिए? तो लगवा क्यों नहीं रहे आप? लगवाइए, जाइए जी।
यहाँ क्यों आए हो? तुमसे बात करनी थी। तो उसके लिए यहाँ बुला लोगे मुझे? तुम कोई देख लेगा यहाँ हमें तो? क्या बात करनी है? तुमने उसे अरेस्ट क्यों करवाया? तुम आए क्यों हो यहाँ ये बताओ। मेरा आना बनता था, जरूरी हो गया था, क्योंकि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया मुझसे पूछे बगैर। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती कि तुमसे हर बात पूछ के इन्फॉर्मेशन दे के तुम्हें पे डिसीजन लूंगी। कशमाला देखो, हमारे दरमियान जो भी बात तय हुई थी ना, उसमें ये कही भी नहीं था कि तुम दुआ को नुकसान पहुंचाओगी। बात सिर्फ यहां तक थी कि हमने उन दोनों को अलग करना है और बस। तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ, तुमने तो पैसे लिए ना उसे बर्बाद करने के लिए, अब क्या हो गया, तरस क्यों आ रहा है इतना उस पर? अरे जो भी बात है, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी, मैं उसकी बेल करवाऊंगा और तुम बीच में नहीं आओगी। उसकी बेल हो ही नहीं सकती है। जो भी है, गजनवी अभी जिंदा है और जब वो होश में आएगा ना, और वो जो भी अपना बयान देगा वो दुआ के खिलाफ नहीं होगा, तो कैसे करोगी उसको मुजरिम साबित? मुजरिम है वो, क्योंकि मैंने उसे मुजरिम करार दे दिया है। अब चाहे कोई माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब कौन करवा रहा है। तुम इतना दिमाग क्यों चला रहे हो? अपने काम से काम नहीं रख सकते? और देख लेगा हमें कोई यहाँ तो एक और मुश्किल हो जाएगी। जाओ यहाँ से। तो मैं आखिरी दफा समझा रहा हूँ कि मैं उसकी बेल करवाऊंगा और तुम बीच में नहीं आओगी। आप यहाँ क्या कर? खड़ी हूँ यहाँ अपनी मर्जी से, कहीं खड़ी नहीं हो सकती मैं, आ जा नहीं सकती कहीं, क्या बोलो आप? नहीं, वो आपको अम्मा से ही और अब्बा से ही याद कर रहे। जा रही हूँ। ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता जिसके बारे में मैं जानता हूं वो बचपन से मेरे भाई से मोहब्बत करती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें डिसओन भी कर सकते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद चाय के लिए थोड़ी घर आता हूं वापस, तुम्हारे लिए आता हूं। तानिया, क्या तुम इस शादी से खुश हो? ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। ये सब तुम साजियार से बदला लेने की खातिर कर रही हो। आप आग से खेल रही हैं। अरे आग से ही तो नहीं खेलना चाहती मैं, इसीलिए तो तुम्हें कह रही कि चुपचाप अपने अम्मा अब्बा के घर चली जा, और अगर वहां नहीं जाना तो सरफराज के पास चली जाओ, कितना बेस्ट ऑप्शन है वो। उसने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनी बीवी तक को छोड़ दिया। तुमने मेरी और नौशरवा की जिंदगी में आकर गलत किया है। जहर तुम डालो उनके खाने में, गुनाह तुम करो और गलत मैं कर रही। अब जब सलाखों के पीछे सड़ोगी ना तुम, तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरे और नौशरवा के बीच आकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही काबिल वकील हायर किया और इंशाल्लाह सुबह तक वो तुम्हें यहां से निकलवा लेगा।
बस एक दफा अदालत खुल जाए तो बस उसने थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी और वो तुम्हें निकलवा लेगा यहाँ से। ठीक है तो तुमने जितनी मर्जी मुझसे नफरत करनी है ना तुम कर लो, जितना मुझे धुतकारना है धुतकार लो, लेकिन भी तुम्हारे करीब आऊंगा। वहां मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, मैं जानता हूं ये सब कुछ कृष्णमाला ने करवाया गजनवी के चक्कर। देखो अगर गजनवी को ये लगता है कि तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की है तो क्या सारी जिंदगी तुम उसके गम में इधर इस तरह बैठी रहोगी? मैं तुम इस तरह यहां नहीं तरफ तवा छोड़ सकता, तो आप प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या बना? आपने इतनी देर लगा दी। वकील ने बिठाए रखा, इंतजार करता रहा उसका, बड़ी देर में मिला, बस इसी में देर हो गई। क्या कहा है वकील ने, क्या बनेगा हमारे केस का? दुआ को छुड़वा लेगा ना वो? अरे छुड़वाने की तो बात की बात, वो वकील ने फीस मांगी है अपनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। इतनी फीस है? मेरे पास कुछ सेविंग रखी है, मैं वो निकाल लूंगी, और छोटी छोटी एक दो चीजें हैं सोने की, कुल मिला के वैसे फीस है कितनी? केस हाथ में लेने के लिए 1.5 लाख मांग रहा है, कहाँ से दूंगा बता? 1.5 लाख? कुछ समझ में नहीं आ रहा फहमीदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग घूम रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बड़ी बड़ी बेबसी है बड़ी। हम केस नहीं लड़ सकेंगे क्या? क्या हमारी दुआ लॉकअप में ही रहेगी? हेलो। हाँ क्या रिपोर्ट है दुआ की? उसे छुड़वाने के लिए पहले उसके वालदैन आए थे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उसका आशिक भी आया था। आशिक? सरफराज? जी जी, और वो कह के गया है कि सुबह वकील को लेकर आएगा। कोई किसी को भी लेकर आए, कुछ भी हो जाए, जमानत नहीं होनी चाहिए उसकी, सुन रहे हो ना? अरे मैडम आपने कह दिया है तो बस समझे उसकी जमानत हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें इसी बात के पैसे दे रही हूँ कि जो मैंने कहा है वो हो। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि इसकी बेल होगी, लगा देंगे 2-3 एलिगेशन और चढ़ती रहेगी यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, और इसकी एक्स्ट्रा कीमत भी मिलती रहेगी तुम्हें। Thank you.
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों को तो कोर्ट जाना चाहिए था। हम दुआ की जमानत के लिए आए हैं। हमारी मोकला बेकसूर है, आपने इन्हें ना हक बंद किया है। ये बातें आप कोर्ट में कीजिएगा, यहाँ पे नहीं। उस पर सिर्फ जहर का एलिगेशन नहीं है, बल्कि आपकी मोकला ने गजनवी साहब से धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है, और इस बात का सबूत भी है उनके पास। झूठ है, बेकसूर है मेरी बच्ची। बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो बेकसूर है, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ऐसा ही है। आप लोग कोर्ट जाएं और उसकी जमानत की कोशिश करें। अगर बेल मिल जाती है तो मेरे पास आइएगा, फिर मैं सोचूंगा कि आपकी मोकला को छोड़ना है या नहीं। इकबाल जुर्म किया कि उसने नौशरवान को जहर दिया था? मैडम अभी तक तो उसने इकबाल जुर्म नहीं किया। तो पैसे किस बात के मिल रहे हैं तुम्हें? अभी तक इकबाल जुर्म नहीं करवा पाए हो तुम उससे? मैडम थोड़ा सा टाइम दे, हम उसी पे काम कर रहे हैं, करवा लेंगे इकबाल जुर्म। बहुत देर हो चुकी है, अभी तक तो हो जाना चाहिए था ना ये सब कुछ। बस थोड़ा सा इंतजार मैडम। उसकी बेल के लिए कोई आया था? जी मैडम, उसके वालदेन आए थे और वो सरफराज आया था वकील को लेके। एक बात सुन लो, उसकी बेल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, इसकी बेल तो हो ही नहीं सकती। सुबह तक इकबाल जुर्म करवा लेंगे और इकबाल जुर्म के बाद तो जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही उम्मीद है मुझे तुमसे। बोल, तूने अपने शोहर को जहर दिया था? मैंने जहर नहीं दिया। देख, तुझे बोलना पड़ेगा कि तुमने अपने शोहर को जहर दिया। बोल लड़की, वरना मुझे और भी तरीके आते। अपना मुंह खोलो, कबूल करो अपना जुर्म। हाँ भाई, कबूल किया इसने? नहीं सर, बहुत डेट है। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोगों के हाथ में दम नहीं रहा कि एक मुजरिम से इकबाल जुर्म करवा सको? मुझे इस लड़की का बयान चाहिए, इतराफी बयान। जो मर्जी करो इसके साथ, समझे? शेरवा साईं जी, नौशेरवा को होश आ रहा है। नौशेरवा, जाफर जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। जी सर। नौशेरवा बेटा, नौशेरवा अम्मा साहिब, नौशेरवा अल्लाह का शुक्र है आप होश में आ गए।
बहुत मुबारक हो आप लोगों को। शुक्रिया। रब साईं का बड़ा करम है, हमारा बच्चा होश में आ गया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यू वेलकम। कैसा महसूस कर रहे हैं नौशर? दुआ कहाँ है? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। आराम से, आराम से। मैं ठीक हूँ बाबा साईं। दुआ कहाँ है? अपनी माँ के घर गई, और कहाँ जाएगी वो? जाफर। जी सर। जाओ दुआ को ले आओ। जी सर। तो अपनी माँ के घर नहीं है? माँ के घर नहीं है तो फिर कहाँ है? लॉकअप में। लॉकअप में क्यों? क्योंकि उसने आपको आपको मारने की कोशिश की। इसलिए अरेस्ट करवाया है मैंने उसे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था नौ शर्मा, मैं क्या करती? आपको ऐसे मरने के लिए छोड़ देती? मैंने अपनी आंखों से उसे आपको जहर देते हुए देखा। दिन बाद होश में आए आप। क्या क्या हालत हो गई है आपकी? और अब मुझे कह रहे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जाफर जाओ छुड़ा जाके उसे। तुझे इश्क हो करे, तुझे इश्क हो।